राजस्थान से इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकलकर सामने आ रही है कि पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा कि राजस्थान में ना कोई गहलोत गुट है ना कोई पायलट गुट, यहां सिर्फ पार्टी का गुट है, सब पार्टी के निशाने हाथ के साथ है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वही उन्होंने अजमेर में समानांतर कांग्रेस की बातों को अफवाह बताया। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कोई करता है तो सबको साथ लेकर चलेंगे। इस दौरान मीडिया से चर्चा में वे आरटीडीसी के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ से जुड़े सवालों पर बसते नजर आए। पायलट भीलवाड़ा दौरे से पहले अजमेर सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे थे। इस दौरान उनके साथ पूर्व चिकित्सा मंत्री और केकड़ी विधायक डॉक्टर रघु शर्मा भी मौजूद रहे। मीडिया से चर्चा करते हुए पायलट ने कहा, राजस्थान में कोई सचिन पायलट या अशोक गहलोत गुट नहीं है, यहाँ मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी गुट है। मैं तो ये मानता हूँ कि सभी मेरे गुट के हैं, पार्टी के जितने भी लोग हैं उनमें किसी तरह की गुटबाजी नहीं है, सभी पार्टी के चिन्ह हाथ के साथ चुनाव लड़ेंगे। ये हो सकता है कि कोई किसी को ज्यादा कम पसंद करता हो, ये स्वाभाविक बात है। हम सभी संगठन और विचारधारा से जुड़े लोग हैं, जिसे भी चुनाव लड़ना है उसे पार्टी चुनाव लड़ाएगी, उन्हें हाथ के निशान से चुनाव लड़ना होगा। ये बात सभी कांग्रेसी जानते हैं और इसे एक्सपेक्ट कर चुके हैं। सीएम फेस के सवाल पर पायलट ने कहा, पहला मुद्दा ये है कि इकट्ठा होकर चुनाव लड़ें और हम चारों राज्यों में चुनाव जीतें, ये हमारी प्रायोरिटी है। चुनाव जीतने के बाद ही पार्टी आलाकमान तय करेगा कि कौन किस पद पर होगा। आरटीडीसी चेयरमैन के सवाल पर बोले सचिन पायलट ने अजमेर में गुटबाजी के सवाल पर कहा कि सभी का चुनाव चिन्ह एक है, कांग्रेस बहुत बड़ा दरिया है, इसमें कोई भी शामिल हो सकता है। हालांकि वे अजमेर शहर कांग्रेस जिला अध्यक्ष विजय जैन और आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ के विवाद से बसते नजर आए। जब उनसे सवाल किया गया कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप है कि अजमेर में समानांतर कांग्रेस चल रही है, संगठन की बैठक जिला अध्यक्ष नहीं बुलाते, उसका कॉल आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ की ओर से होता है। इस पर पायलट ने कहा कि मुझे नहीं लगता ऐसा कोई कर रहा है, अगर कर भी रहा है तो वो ठीक नहीं कर रहा, हम सबको साथ लेकर चलेंगे। छोटा मोटा झगड़ा हर संगठन में चलता रहता है, लेकिन सब लोगों को समझना चाहिए ये बहुत महत्वपूर्ण जिला है, धरातल के जो वर्कर्स हैं उनकी भावनाओं को समझना चाहिए, सबको साथ लेकर काम करना चाहिए। अजमेर में थोड़ा मामला मिर्च मसाले वाला रहता है, लेकिन ज्यादा चिंता वाली बात नहीं है, चुनाव आ रहे हैं लेकिन सब एकजुट होकर चुनाव के लिए एक साथ काम कर रहे हैं। सचिन पायलट ने कहा, जब चुनाव होता है तो एक व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता है, पूरी पार्टी चुनाव लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी में जो चल रहा है वे किसी से छुपा नहीं है, जिताऊ उम्मीदवार को हमारी पार्टी टिकट देने जा रही है, ये बात सभी कह चुके हैं। स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष सभी से मिल रहे हैं, देश में अगले साल लोकसभा के चुनाव है, अगर चारों राज्यों में कांग्रेस जीती है तो 2024 के अंदर भी कांग्रेस सरकार बनेगी, राजस्थान का चुनाव जरूरी है, पूरी ताकत के साथ प्रत्येक कार्यकर्ता सब बातें बोलकर चुनाव में लगा हुआ है। दोस्तों वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद।